हिमाचल सरकार में नए मंत्री राघवेंद्र गोमा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने। एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है गोमा जी को, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? कैबिनेट विस्तार होने में एक साल का वक्त लगा, मगर पहले तीन नामों में जो दो नाम तय किए गए उसमें राघवेंद्र गोमा जी का नाम आना, ये आपकी काबिलियत और आपके कार्यशैली पर एक सवाल है, क्योंकि आपको योग्य समझा गया। किस तरीके से इस योग्यता को आप दिखाएंगे, क्या कुछ विज़न लेके आए हैं आप अपने जनता के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जिसके लिए आप काम करने का विज़न रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और कैबिनेट में एक साल के बाद जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अपना आशीर्वाद और अपना मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना सभी शीर्ष नेताओं का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे सभी प्रदेश के आला नेताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे नाम के ऊपर जो है वो मुहर लगाई है। और जिम्मेवारी जिस तरीके से आपने कहा कि राघवेंद्र गोमा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने। एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है गोमा जी को, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? कैबिनेट विस्तार होने में एक साल का वक्त लगा, मगर पहले तीन नामों में जो दो नाम तय किए गए उसमें राघवेंद्र गोमा जी का नाम आना, ये आपकी काबिलियत और आपके कार्यशैली पर एक सवाल है, क्योंकि आपको योग्य समझा गया। किस तरीके से इस योग्यता को आप दिखाएंगे, क्या कुछ विज़न लेके आए हैं आप अपने जनता के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जिसके लिए आप काम करने का विज़न रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और कैबिनेट में एक साल के बाद जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अपना आशीर्वाद और अपना मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना सभी शीर्ष नेताओं का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे सभी प्रदेश के आला नेताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे नाम के ऊपर जो है वो मुहर लगाई है। और जिम्मेवारी जिस तरीके से आपने कहा कि स्वाभाविक रूप से एक अभी मेरी आयु 37 और 38 के बीच में है, और प्रदेश का मैं जब पहली बार विधायक 2012 में बना था तो उस समय भी मैं अपने प्रदेश का सबसे युवा विधायक था। और जैसे ही इस अवस्था में अगर कोई राजनीति में आता है तो आपको पता है कि स्वाभाविक रूप से जो लोगों की उम्मीदें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ने शुरू होती हैं, क्योंकि जो एक अगर आप जनरली देखें तो कई लोग जो हैं वो 40-50 के बाद राजनीति में अपना पग धरते हैं, लेकिन हम मेरे तो पिताजी जो हैं वो 4 बार विधायक रहे और पार्टी ने उन्हें काफ़ी शीर्ष नेतृत्व दिया, यहाँ तक कि ऑल इंडिया में भी वो मेंबर तक बने थे। और समाज में भी कोली समाज से हम आते हैं तो उसमें भी वो लाइफ टाइम जो है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो प्रतिनिधित्व जो है काफ़ी लंबे समय से परिवार के पास है और बखूबी पार्टी ने भी अपना आशीर्वाद जो है निरंतर बनाए रखा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता को कि जो भी कार्यभार वो सौंपेंगे उसके ऊपर जो है मैं अपनी ओर से संपूर्ण कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर खरा उतरूँ, ताकि जो प्रदेश के मुखिया ने विश्वास जताया है उसके ऊपर भी उनको विश्वास बरकरार रहे और जो प्रदेश की जनता है जो उम्मीद लगाए बैठी है उसके अनुरूप भी जो है वो काम होगा। किन चीज नेताओं से मिलने का वक्त मांगा है आपने आज दिल्ली में? देखिए मैं बीती रात जो है शुक्ला जी जो कि हमारे प्रभारी हैं उनसे मैंने मुलाकात की है और उनके साथ जो है काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है कि प्रदेश में किस तरीके से मुख्यमंत्री जी के साथ समन्वय और दूसरे नेताओं के साथ समन्वय बना के आगे बढ़ना है और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा जो है उन्होंने की है कि किस तरीके से जो हमारी सीट कांगड़ा चंबा है उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए।
और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी समय मांगा है, और साथ में हमने केसी वेणुगोपाल जी और साथ में हमारे मुकुल वासनिक जी, उनसे समय जो है वो मांगा है। लेकिन आज पार्लियामेंट का भी थोड़ा चला है काम, तो उस करके थोड़ा ये अब देखते हैं कि समय कितने में मिलता है। यागवेंद्र गुमा साफ तौर पर नए मंत्री हिमाचल सरकार के और दिल्ली पहुँचे हैं शिष्ट नेतृत्व से मुलाकात करने, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं और अपने विज़न को स्पष्ट रखते हैं और कहते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी उनको वो स्वीकार करेंगे। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।